दोस्तों, क्या आपके बाएं कंधे में, बाएं हाथ में दर्द होता है? क्या आपके छाती पे भारीपन होता है और दर्द होता है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये दर्द हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से है, या ये दर्द सर्वाइकल की वजह से है? इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, क्या किया जाए और कैसे अप्रोच किया जाए इस प्रॉब्लम को, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, साउल ऑर्थो केयर, जैसे कि आप जानते हैं, वो एक पार्टनर फर्म है साउल हार्ट केयर की और डॉक्टर बिमल छाजर की, जो पिछले 27 साल से लोगों की हार्ट एलिमेंट्स का इलाज कर रहे हैं बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के, और देश की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके लेफ्ट साइड में कंधे में दर्द रहता है, हाथों के अंदर झिनझिनाहट रहती है, छाती पे भारीपन रहता है, और वो कभी हार्ट में चले जाते हैं और उनको ये पता लगता है कि उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है और वो हमारे पास रेफर हो जाते हैं। या कई पेशेंट हमारे पास आते हैं सर्वाइकल का प्रॉब्लम सोच के और उनका ईसीजी या टीएमटी या एनजीओ में कुछ अबनॉर्मलिटी के आने की वजह से उनको हम हार्ट में रेफर कर लेते हैं। तो आप घर बैठे कैसे पहचान सकते हो कि अगर आपके सिम्टम्स आ रहे हैं तो हार्ट की वजह से है या सर्वाइकल की वजह से है? तो आज मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि अगर आपके बाएं कंधे में और हाथ में प्रॉब्लम हो रही है तो सर्वाइकल की वजह से है या आपको हार्ट अटैक होने वाला है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट होता है पेन का कैरेक्टर से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सर्वाइकल की वजह से हो रही है तो पहली चीज तो दोनों साइड पे हो सकती है, सिर्फ लेफ्ट साइड पे हो जरूरी नहीं है। इसके ऑपोजिट हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रेडिएट होती है। दूसरी चीज होती है कैरेक्टर ऑफ पेन। जो हार्ट का जो पेन होता है वो स्टैबिंग पेन होता है, वो इस टाइप का दर्द होता है जैसे कि आपको कोई जकड़ रहा है, और हाथों की तरफ जो पेन जाता है वो एकिंग पेन होता है, डल सा पेन होता है। और सर्वाइकल का जो पेन होता है वो नसों का पेन होता है, जिसमें झिनझिनाहट होना, पिन प्रिकिंग यानी सुइयों वाली सेंसेशन होना, जलन होना, या ऐसे चलना कि मेरे हाथ में चीटियां चल रही हैं या कोई सूनापन आ रहा है, तो वो सर्वाइकल पेन की तरफ जा सकती है वो वाली चीज। दूसरी चीज होती है, आपको ये देखना चाहिए कि यदि आपका दर्द चलने फिरने के बाद बढ़ रहा है और रेस्ट करने के बाद कम हो रहा है तो वो हार्ट की तरफ जा सकता है, वो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से वो दर्द हो सकता है। परंतु यदि आपके दर्द में ज्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा आपकी पोजीशन को बदलने से, यानी पोजीशनल वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है दर्द में, तो वो सर्वाइकल की वजह से हो सकता है। दूसरी बात आती है कि यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो जरूर आपको आपके डॉक्टर ने एक सॉर्बिट्रेट नाम की दवाई दी होगी। उस दवाई का रोल होता है कि वो आपकी जो खून की नसें हैं जिनमें ब्लॉकेज हो सकता है उनको डायलेट कर देता है, उनको चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से उस ब्लॉकेज का प्रभाव कम हो जाता है और ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो यदि सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख लेने से आपका दर्द कम हो जाता है तो वो दर्द आपका हार्ट की वजह से है। और यदि सॉर्बिट्रेट लेने के बाद भी आपके दर्द में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है तो वो सर्वाइकल की वजह से हो सकता है। तीसरा और बहुत आसान डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि यदि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो आप अपने हाथ को उठा के अपने सर के ऊपर रख लीजिए। इसको हम साइंटिफिक भाषा में शोल्डर अबडक्शन रिलीफ साइन बोलते हैं। यदि ऐसा कर लेने से आपका दर्द कम हो गया तो वो दर्द आपका सर्वाइकल की वजह से है, और यदि वो कम नहीं हुआ तो वो हार्ट की वजह से है। दोस्तों, ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स आपको बताने के बाद भी मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि आपके दर्द ओवरलैपिंग भी हो सकता है, दोनों कारणों की वजह से भी हो सकता है। तो यदि आपको दर्द हो रहा है, चाहे वो सर्वाइकल का है या हार्ट का है, तो जल्दी से जल्दी साउल ऑर्थो केयर या साउल हार्ट केयर या अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, बहुत जरूरी है जानना और डिस्टिंग्विश करना कि सर्वाइकल पेन क्या होता है और हार्ट का दर्द क्या होता है। ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।